एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंडिपेंडेंट हाउसेस जो कि हमारा 108 स्क्वायर यार्ड में बने हैं, रेडी टू मूव, एंड 109 स्क्वायर यार्ड वाले अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये अपने हैं 108 स्क्वायर यार्ड वाले, एंड इसी के साथ ही ये वाले हैं अपने 109 स्क्वायर यार्ड वाले जो कि हम अंडर ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपने सारे जो है ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। और अगर आप भी हमसे कंस्ट्रक्शन करवाने चाहते हैं तो करवा सकते हैं। एंड तो चलिए हम चलते हैं इंटीरियर की ओर। और ये हमारा जो है फ्रंट एलिवेशन रहेगा 108 स्क्वायर यार्ड का। और ये अभी इसमें टाइल वर्क चल रहा था तो उसका थोड़ा सा काम पेंडिंग है। और ये आ जाता है हमारा कार पार्किंग, जहाँ पे आप इजीली फोर व्हीलर पार्क कर सकते हो। ये पोर्च एरिया, इसमें हमने जो है बाहर से भी लाइटें वगैरह लगवा रखी है जिससे कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ ही ये वुडन का हमने जो है यहाँ पे टच दे रखा है, इसमें भी आपको लाइट्स वगैरह मिलेगी। एंड इसी के साथ ही एक स्टोरेज कैपेसिटी दे रखी है अंडर स्टेयर जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये आ जाता है हमारा मेन डोर जिसको हम नेट डोर भी कहते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है हमने डोर पर भी। और आपको इधर भी लाइट्स वगैरह लगी है बाहर सारे में। और तो अभी हम लेके चलते हैं आपको इंटीरियर की ओर। ये जो है हमारा इंटीरियर रहेगा, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपना आ जाता है लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। एक्चुअली अभी यहाँ पे सोफ़े एंड डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं लगवाए हैं, तो हम यहाँ पे सोफ़ा प्लेस करेंगे तो फिर उसके बाद की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पे आपके इजीली सोफ़े वगैरह प्लेस हो सकते हैं, डाइनिंग टेबल प्लेस हो सकते हैं। एंड ये हमने हैंगिंग टी विद लाइट्स लगाई है जो काफ़ी ग्रेस दे रही है आपकी लिविंग एरिया को। और ये आपका वेंटिलेशन, एक्चुअली मैं ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, कर्टन है, एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ। और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वेंटिलेशन के लिए भी। और इसके साथ ही आ जाती है आपकी वॉलपेपर। और एक्चुअली एसी का भी अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा पेंडिंग है, वो भी हो जाएगा आज कंप्लीट। तो कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सोफ़ा भी लगा होगा और एसी वगैरह की फिटिंग भी। एंड ये ऊपर आ जाती है आपकी वुडन का टच दे रखा है हमने डाउन सीलिंग में। एंड झूमर फैन वगैरह, ये सैम्पल कोठी है जो हमने अभी रेडी करी है। एंड अगर आप भी इसी तरह से अपनी कोठी बनाना चाहते हैं अपने चॉइस या अपने कलेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो हम वो आपको बना के दे देंगे। एंड अगर आप यही बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय, बट जो इसमें फर्नीचर वगैरह लगा है उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे अगर आपको वो चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप फर्नीचर वगैरह लेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम अब लेके चलते हैं आपको किचन की ओर। ये अपना मॉड्यूलर किचन रहेगा, ये देख सकते हैं। ये स्टोरेज के लिए दे रखा है जहाँ पे आप अपनी ये किचन का सामान यूटिलाइज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। ये सिंक आ जाते हैं आपके दो, और ये ब्लाइंड्स। एंड इसी के साथ ही इधर आपका स्टोरेज कैपेसिटी जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड ये जो है आपके दोनों डस्टबिन एरिया। एंड इसके साथ ही आपको मिलेगा इधर भी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें क्या कराया हमने, अंदर से इसमें वुडन का माइका लगाया है ताकि अगर वो वैसे ही वाइट छोड़ दे तो गंदा सा हो जाता है लाइक। तो इसीलिए हमने अंदर से वुडन का माइका लगा रखा। एंड ये आपके स्पाइसेस वगैरह रखने के लिए। एंड देख सकते हैं आप दोनों साइड है। एंड इसी के साथ ही जो है आपके आ जाते हैं यूटेंसिल्स के लिए। और ये आपके यूटेंसिल्स या प्लेट सेट, स्पून सेट, ये सारी चीज़ें, कटलरी आइटम्स वगैरह। और इस साइड भी आपके किचन का जो यूटेंसिल्स वगैरह है वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इजीली।
ये देख सकते हैं काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ ही आपको जो है इधर 2x2 की जो है टाइल्स लगी है वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है देखने में भी। और ये आपका आ जाता है गैस एंड बर्नर, एंड इसी के साथ ही ऊपर भी हमने कवर्स बना रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। ये जो है हाइड्रोलिक कवर्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। एंड ये आपकी जो है इस साइड भी कबर्ड्स एंड ऊपर भी जो है कबर्ड वगैरह बना रखे हैं हमने। एंड इधर भी हमने जो है किचन में डाउन सीलिंग करवा रखी है। अगर हम दूर से देखें तो दूर से हमारा किचन कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके साथ ही आपको जो भी स्पेस रह रहा है वहाँ पे आप जो है अपना फ्रिज लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हम एंटर होते हैं फर्स्ट बेडरूम में, और ये हमारा है मास्टर बेडरूम। और इस तरह से ये बेड लगा है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेस दे रहा है आपके बेडरूम के लुक को, एंड मैच करता हुआ हमने इसमें जो है बेड लगा रखा है। एंड इसी के साथ ही आप क्या जाते हैं कबर्ड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड आप अपने कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। और ये देखिए इस साइड भी कबर्ड्स है, ये आपको जो है फुल हाइट तक कबर्ड्स मिलेंगे ऊपर तक ना। इसके साथ ही आपको मिलेगा जी डाउन सीलिंग फैन विद लाइट्स, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका LCD पैनल, और ये आपका आ जाता है जी ड्रेसिंग एरिया जो कि हमने बेडरूम में बनाया है। और ये रहता है आपका, ये आता है आपका वॉशरूम, ये देख सकते हैं। इसमें हमने जो है फुल हाइट तक टाइल्स लगाई है, जो भी हमने टैप्स की फिटिंग करी है वो सारी सेहरा ब्रांड की है, एंड फुल हाइट तक टाइल रहेगी आपकी इसमें। एंड ये ऊपर हमने कबर्ड्स के लिए एंड ये आपकी क्लोथ्स वगैरह हैंग करने के लिए लगा रखा है। और ये आता है आपका गीज़र एंड शावर, एंड इसी के साथ ही वेंटिलेशन के लिए विंडो एंड ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए भी स्पेस दे रखा है। एंड इसमें भी हमने थोड़ी सी डाउन सीलिंग करी है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशिंग एरिया की तरफ। आप सोच रहे होगे कि वेंटिलेशन तो है नहीं है बेडरूम में, और ये हमने वेंटिलेशन के लिए छोटी सी एक विंडो दे रखी है। एंड बाकी जो है आपका ये रहेगा वॉशिंग एरिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ आप अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं, सुखा सकते हैं, एंड देख सकते हैं हमने बैक साइड से भी जाली से इसे कवर कर रखा है। ये था हमारा वॉशिंग एरिया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की ओर। ये अपना जो है सेकंड बेडरूम का डोर है, एंड इसमें भी हमने नीचे देख रहे होंगे अपने हमने टाइल्स वगैरह लगा रखी है, एंड ये वॉलपेपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये आपका बेड, और इसी के साथ ही कबर्ड्स, ये देख सकते हैं ये स्लाइडिंग कबर्ड्स वगैरह बना रखे हैं ना हमने इसमें। और आप आके एक बार विज़िट करिए। अगर अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाते रहूँ। और ये अपना आ जाता है LCD पैनल, और ये आपके कर्टन्स, इसके पीछे ही जो है आपको विंडो मिलेगी, एंड इसके साथ ही आपको ये मिलेगा अटैच वॉशरूम। इसमें भी ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन लगाया है। एंड ये आपके वार्डरोब्स, एंड ये देख सकते हैं जो सारी बात फिटिंग है वो सेहरा ब्रांड की है, एंड शावर गीज़र ये सेम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आप देख रहे हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आपको न्यू कंस्ट्रक्शन वाली वीडियोस दिखाते रहूं। थैंक यू सो मच।